नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा भारत के खिलाफ चाहे जितना जहर उगले, कनाडा लोकतंत्र को लेकर के भारत पर टिप्पणियां करने की हिमाकत करे, लेकिन कनाडा को प्रधानमंत्री नहीं देश का विदेश मंत्री ही जिस अंदाज में जवाब दे रहा है, उससे ट्रूडो को समझ में आ गया होगा कि भारत अब बदला ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। बदला इसलिए है क्योंकि भारत बार बार अनुरोध कर रहा है कि दो देशों के बीच संबंध खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन ट्रूडो अपनी गलती मान करके कुछ संबंध सुधारने की पहल करते हैं। उसके बाद फिर एक ऐसी जरूरत उनकी आन पड़ती है खालिस्तान के समर्थन में बोलने की, जिससे साफ लगता है कि खालिस्तान के फंडिंग पर ही ट्रूडो की पार्टी और ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य फिलहाल महफूज है। अगर ये महफूज है तो क्या इसकी कीमत भारत चुकाए? क्योंकि भारत की नजर में कनाडा के वो आतंकी जो फिलहाल भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के एक राज्य को खंड खंड करके उसको ग्रेटर पंजाब के नाम पर, एक खालिस्तान के नाम पर एक नए देश को बनाने की बात कर रहे हैं, और इसको जस्टिन ट्रूडो सुन रहे हैं। उसके बाद अगर वहां कोई आतंकी मारा जाता है, उसके बाद उस पर भारत पर आरोप लगाते हैं, तो भारत तो इसका जवाब देगा ही, और जवाब सिर्फ विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री के ही हैसियत के बराबर के लोग ही अब ट्रूडो को दे रहे हैं। क्योंकि ट्रूडो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा में ट्रूडो ने एक बार फिर वही गलती की। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सोचने का यह अधिकार बनता है, और हमारे लिए सोचने के पर्याप्त कारण है कि भारत ये हत्या करवा सकता है, और बार बार वो निजर को लेकर के ही परेशान हो जाते हैं। कौन सा ऐसा दबाव है? हालांकि हमने इसको बताया है कि निजर उनके लिए कितनी बड़ी जरूरत है, आपको बार बार हम बता रहे हैं। और निजर को लेकर के एक बार फिर उन्होंने जो बातें कही है, वो भारत से संबंध खराब करने को तैयार हैं, लेकिन निजर को न्याय दिलाना चाहते हैं, और भारत की खुफिया संस्था और खुफिया एजेंटों को वो पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं, जबकि भारत अपनी छवि इस तरह से खराब होने देना नहीं चाहता। इस संदर्भ में विदेश मंत्री से एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने जब बात की तो उन्होंने साफ कहा कि हम कई बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, और एक बार फिर कह रहे हैं कि हमने जो सबूत मांगा था वो ट्रूडो की सरकार हमें उपलब्ध क्यों नहीं करा रही, और अगर वो नहीं करा रही है तो इसका मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं, और बिना सबूत के आधार पर हम कोई कार्रवाई किस पर करें, और हम अपनी गलती कैसे स्वीकार करें। जब विदेश मंत्री ने यह बात कही तो ये पूरा का पूरा संदेश कनाडा के पास पहुंच चुका है, लेकिन कनाडा है कि मानता नहीं। क्योंकि ट्रूडो की मुश्किलों के बारे में हमने आपको बताया कि अमेरिका और कनाडा के खालिस्तान समर्थक जिस तरीके से गुरुद्वारों का इस्तेमाल करके विभिन्न संगठन बना करके पन्नू जैसे आतंकियों को साथ लेकर के ट्रूडो को बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की ISI का पूरा लिंक बना हुआ है, उससे ट्रूडो मुक्त नहीं हो सकते। और अब तो उसमें चीन का एक लिंक जुड़ रहा है कि चीन भी ट्रूडो के राजनीतिक कद को कनाडा में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की, और चीन ISI का गठजोड़, और चीन ISI और खालिस्तान का गठजोड़ अब ये किसी से छिपा नहीं है, और उस पर ट्रूडो एक सरकार के मुखिया की हैसियत से जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फिर विदेश मंत्री हो या देश का कोई भी विदेश मंत्रालय का अधिकारी हो, क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्योंकि कनाडा की सरकार से बार बार भिड़ रहे हैं तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, और वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि हमने अमेरिका से उठाया, विभिन्न मंचों से ये सवाल उठाया कि ट्रूडो अगर आपके पास, आपके किसी भी खुफिया एजेंसी, पुलिस एजेंसी के पास निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की कोई सूचना या खबर है, वो प्रमाण है, तो आप हमें उपलब्ध कराइए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं कराते। इस बात पर जयशंकर ने कहा तब हम किस पर कार्रवाई करें। इसके बाद जयशंकर यहीं रुके नहीं, बड़े ही सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि कनाडा जैसे देश चाहते हैं कि उनके आदेश पर और उनके उंगलियां और आंख दिखाने पर कोई देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाए, तो भारत अब ये भूलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जवाब देना जानता है, भारत प्रमाणों के आधार पर
गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है और उसकी मांग करता है। और अगर ट्रूडो इसी तरीके से या कनाडा इसी तरीके से बात करेगा तो भारत के पास फिर कुछ भी कहने को नहीं। अर्थात विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि ट्रूडो अगर ऐसे ही निजर प्रेम दिखाते रहे, अनर्गल प्रलाप करते रहे, तो भारत को कनाडा के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोई चिंता नहीं है। हालांकि भारत चाहता है कि कनाडा और भारत के संबंध बेहतर रहें, लेकिन जिस तरीके से ट्रूडो व्यवहार कर रहे हैं और एक आतंकी जो कि भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के कारण उस संगठन को, उस आतंकी को आतंकी बता दिया गया था, ऐसे में ट्रूडो अगर भारत के सहयोगी देश के रूप में काम करते, साथी देश के रूप में काम करते, तो निज्जर की हत्या की जांच करवाते या निज्जर पर कार्रवाई करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि निज्जर के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, तो भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। आज तक उनकी पुलिस या खुफिया एजेंसी ये नहीं बता पाई कि निज्जर की हत्या किन परिस्थितियों में किसने की। जब ये जाँच ही नहीं हुई, जब उस जाँच का कोई मामला सामने ही नहीं आया, कोई विवरण ही सामने नहीं आया, तो भारत को कमजोर समझ करके ट्रूडो ने इल्जाम लगाया क्या? विदेश मंत्री का भाव ये पूछने का था। मतलब साफ है कि अब कनाडा की हेकड़ी को विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्री जयशंकर ही पूरी तरीके से निकाल पा रहे हैं और आगे भी वो निकालते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत में जो तेवर दिखाए उससे इतना तो साफ हो चुका है। आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।